नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मुंडे आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021, विषय हिंदी विशिष्ट। 100 नंबर का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का आज का पेपर था, तो आज के इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इस पेपर का जो पैटर्न था वो नई ब्लूप्रिंट और अकॉर्डिंग टू आपके न्यू पैटर्न के अनुसार था, तो हमने जो क्वेश्चन बैंक भी डाले थे उनका भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिला होगा, ऐसी उम्मीद में कर रहा हूँ। तो ये भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है सही विकल्प का चयन कर लिखना है। जैसे पहला है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, बानी जगरानी की बरवानी जाए तो ये उदारता, ऑप्शन नंबर स इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम हैं तो राम है, उत्तराखंड का धार्मिक स्थल है तो बद्रीनाथ, उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन तो सेठ गोविंददास, अलकनंदा के किनारे बसा है बद्रीनाथ, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं तो वो तीन होते हैं। अगला है वदना कविता में रस है तो सांतरस है, जिसका अंत ना हो वाक्य के लिए उचित तो अनंत। ठीक है दोस्तों, बाकी ये क्वेश्चन जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई चार प्रश्नों के उत्तर लिखना है तो आपके लिए विकल्प यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं इस नए पैटर्न के आधार पर। जैसे 6 दिए गए हैं और उनमें से आपको 4 करना है। ठीक है, प्रत्येक के लिए 3 अंक हैं, तो इन प्रश्नों को पढ़कर अपने जो आंसर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट टीचर से आप डिस्कस करें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो खंड ब में बात करें तो खंड ब में सही विकल्प का चयन करना है। जैसे पहला है आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में भारतेंदु युग, जैसे दैनिक जागरण का युग, जन जागरण का युग या जागरण का युग, तो ऑप्शन नंबर स इसका सही रहेगा, जागरण का युग। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं जैसे प्रिय प्रवास, कामायनी, रामचरित मानस, पंचवटी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा, कामायनी, है ना। अगला जो है आपका काढ़त गुहत नावत है ना, ओछत नागिनी सी भुई लोटी, इसमें उपमा अलंकार है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वात्सल्य रस के सम्राट कवि हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास, तो ऑप्शन नंबर स सही रहेगा, सूरदास। अगला है सूरदास की रचना है जैसे हिमालय की पुकार, साहित्य लहरी, रत्नावली, राग गोविंद, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा, साहित्य लहरी। गजाधर बाबू की पुत्री का नाम था सविता, बसंती, कविता, वर्षा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा, बसंती। वापसी पाठ की विधा है एकांकी नाटक कहानी उपन्यास, तो ऑप्शन नंबर स सही रहेगा, कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत था तो रेल की पटरियों का था, जब ट्रेन गुजरती थी, है ना। अगला है गोरा के बछड़े का नाम था तो लालमणि, गोरा पाठ है तो रेखाचित्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो आपका खंड स है जिसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इनको हम देख रहे हैं। जैसे विश्वनाथ की पत्नी का नाम था तो रेवती था, नए मेहमान पाठ के लेखक हैं तो उदयशंकर भट्ट, जिसके आने की तिथि अज्ञान हो के लिए एक शब्द है तो वह अतिथि है, घनानन के अनुसार प्रेम का मार्ग है तो सीत सरल है, चातक पक्षी कौन से नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट ने लगाया है सावन, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम है जैसे सावन, माघ और पौष, तो ये तो होना नहीं चाहिए। अब स्वाति एक नक्षत्र होता है तो इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि कौन से नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, तो स्वाति नक्षत्र है तो आपको स्वाति लगाना चाहिए मेरे अनुसार, है ना, आंसर इसका यही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है छप्पे छंद मिलकर बनता है तो वो रोला और उल्लाला दोनों को मिलाकर बनता है, कवित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं तो 31, कानपुर में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र का नाम था प्रताप, भगवती शरण शर्मा माफ कीजिए वर्मा के मानस गुरु थे तो वो गणेश शंकर विद्यार्थी, कर्मवीर सुंदरलाल का भाषण हो रहा था तो कानपुर में हो रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से हल करें, है ना, एग्ज़ाम होने के बाद भी आप, क्योंकि हमें फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करना है
तो जो भी आपकी एग्ज़ाम्स होती हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, प्री बोर्ड हो, है ना, उन या रिवीजन टेस्ट आपका भले ही हुआ हो, तो इन सारे क्वेश्चंस आपके हल होने चाहिए इन पेपर्स के सॉल्यूशन, ताकि फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहें। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हिंदी, इंग्लिश, है ना, और आपके जो भी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, या आपका इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, चाहे वो आप कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, साइंस के स्टूडेंट हों, तो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर्स, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगैन। थैंक यू वेरी मच।